दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल में। जो कि दोस्तों बहुत दिनों के बाद आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोग का काफी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सूरज भाई कोई सैड स्टेटस वीडियो बनाओ जिसमें कोई फोटो वगैरह लगा करके उस वीडियो को बना सके। दोस्तों तो मैं लेकर के आ चुका हूं आप लोग की डिमांड पर बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि एक डीजे स्टेटस होने वाला है। दोस्तों ये जो सॉन्ग और लिरिक्स है ये काफी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेंड पे चल रहा है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो से कैसे बनाना है सब मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। एंड इसमें जितने मैं फॉन्ट वगैरह यूज किया हूं सब आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग के प्रॉब्लम का सलूशन मैं उसी कमेंट में दे दूंगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में फटाफट से हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं और इसे कैसे बनाना है सब मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूं। तो चलिए आज का प्रीव्यू देख लेते हैं, लेट्स गो। की बर्बाद करके जिए हुआ राम से, अब बदनाम भई रानी तोहरे नाम से। की बर्बाद करके जिए हुआ राम से, अब बदनाम भई रानी तोहरे नाम से। So, दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार का वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपने अभी प्रीव्यू देख लिया। दोस्तों इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों लाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा बहुत ही आसानी। सबसे पहले दोस्तों आपको इसको ओपन कर लेना, एंड ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा। एंड इसमें जो मैं जितने भी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन यूज करने वाला वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट, सैग इफेक्ट, लिरिक्स के नाम से इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तीनों को आपको इसमें इंपोर्ट करना है। इसे कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको जो बीट मार्क है इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो लिरिक्स वो बोल रहा है वो यहाँ पर आपको देने वाला है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फोटो अगर अपना ऐड करना है जो भी आप ऐड करना चाहते हैं सिंपली इस पर क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करके स्टार आइकन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको जिसका फोटो, जैसे मान लीजिए मैं ये फोटो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से मैंने फोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया है। अभी इसमें आपको लिरिक्स को ऐड करना है और लिखना भी है। सबसे पहले बैक कर लेना है, और गाइस यहाँ पर आपको एक इस प्रकार से देखने मिल जाएगा लिरिक्स विथ फोटो बाय इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तीनों को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, कॉपी थ्री लेयर, फिर जो बीट मार प्रोजेक्ट इसको आपको ओपन कर लेना है। सो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ लिरिक्स आपको देने वाले हैं, उसको आपको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना है। बैक करके आपको आ जाना है अपने इस वाले प्रोजेक्ट जो कि आपने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। तो जो आपका प्रोजेक्ट है बीटमार्क इसको आपको ओपन कर देना है, एंड गाइस स्टार्टिंग पोजीशन पे आपको आना है और लेयर पे क्लिक करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपके सामने जो यहाँ पर लिरिक्स आ रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सारे जो फॉन्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ सिंपल इस पर क्लिक करना है आपको, और एडिट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो मैं फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ कुछ इस प्रकार का ये फॉन्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करना जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस जो ये वाला फॉन्ट है ये भी आपको दे दूंगा, ये भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस अगर आपको यहाँ पर नाम चेंज करना है सिंपल इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी यहाँ पर आगे का लिरिक्स होगा वो आपको लिखना है। सबसे पहले बैक कर लेते हैं गाइस, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये प्रोजेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, तो फोटो अगर आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके आप फोटो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी क्लिक करके फोटो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस प्रकार से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके इस प्रकार से इसको सेट कर देना है। अब गाइस बचे पार्ट को इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा पार्ट इसको इस प्रकार से कट करेंगे, जो कि इस पर टाइमर पर क्लिक करके इस प्रकार से कट होगा। फोटो चेंज करना है सिंपली इस पर क्लिक करिएगा, कलर पे क्लिक करके स्टार आइकन पे क्लिक कर देना है। फोटो आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो फोटो आप इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस फोटो को यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से मैंने फोटो को लगा लिया। अब चाहे अगर आपको ये जो लिरिक्स इसको अगर बीच में लिखना है तो आप बीच में भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से साइड में इसको नीचे कर देना है इस प्रकार से, और जो आपका लिरिक्स इसको आपको ऊपर कर देना है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी ये लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका लिरिक्स चेंज होता है तो यहाँ पर आपको लिरिक्स चेंज करना है, ऊपर आपको लिखना है जो भी आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपको नाम चेंज करना है, सिंपली इस पर क्लिक करके आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बर्बाद करके इस प्रकार जैसे लिखा था इस प्रकार से आपको करना है, तो सही पर टिक करके इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये हो चुका है। सिंपली आपको इसी प्रकार से करना है, जो लेयर आपका इसी प्रकार से कॉपी करना है, इस प्रकार से आपको पेस्ट करना है, ठीक है। इसको बिट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलाते जाना है। तो जब आपका जहाँ तक लिरिक्स आएगा आपको सुन लेना है एक बार, तो जहाँ तक आएगा वहाँ तक आपको इसको मिलाना है। अगर आपका एक्स्ट्रा बीट आएगा तो टाइमर पे क्लिक करके इसको इस प्रकार से मिलाना है,
क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपका मिलाना है। तो लिरिक्स कहाँ तक है, जो हमारा ये डबल बीट आप देख रहे हैं, इसके पहले वाला जो प्रोजेक्ट है यहाँ तक है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो फोटो रखना है फोटो भी आप रख सकते हैं। अभी ये जो फोटो आपका ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, इसको आप बड़ा करके चाहे इसको इस प्रकार से सेट करके इसको ऊपर करके और इसको भी नीचे करके आप जो लिरिक्स है उसको बीच में भी आप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं और लिरिक्स अपने अकॉर्डिंग सुन के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद गए जब आगे आप आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा 10 सेकंड का जो प्रोसेस है, सिंपली आगे जाने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना के रखा है। तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट मैंने हाइड करके रखा है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ऊपर वाला प्रोजेक्ट इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर स्क्रीन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन हो गया और जो ये वाला पार्ट है इस पर क्लिक करके इसको भी आपको स्क्रीन करना है। तो जब ये पीछे वाला पार्ट आपका ब्लिंक वाला यहाँ पर देखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको फोटो चेंज करना है, जो ब्लैक पार्ट है इस पर क्लिक करना है, कलर फी पे क्लिक करना है। आपको जो फोटो अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग आप फोटो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे फोटो ऐड करना है मैं यहाँ पर ये फोटो ऐड कर देता हूँ। जो नीचे वाला पार्ट है इसमें भी मैं यहाँ पर ये फोटो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सो गाइस ये कुछ प्रकार से हमारा फोटो और इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको वही करना है। जब कहीं नीचे वाला पार्ट इसको आपको स्क्रीन करना है, जो कि यहाँ पर लाइट इसका दिखने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फोटो ऐड करना है फोटो भी आप ऐड कर सकते हैं। सेम गाइस वो वही प्रोसेस आपका यहाँ पर भी होने वाला है। तो जो आपका ऊपर वाला पार्ट इस पर क्लिक करके आपको इसको स्क्रीन कर देना है और यहाँ पर जो ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर इसको रहने देना है। फोटो ऐड करना है इस पर क्लिक करके आप इसमें फोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। फिर आपका एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर भी वही प्रोसेस है और यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, ठीक है। और आगे जाने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि ये वाला पार्ट आपका है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग करना है। जो नीचे वाला पार्ट है इसको आपको स्क्रीन करना है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट को इसको भी आपको स्क्रीन करना है। ये मैंने इसको हाइड करके रखा है, ये पार्ट आप याद देख सकते हैं यहाँ पर ये अलग अलग हो चुका है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको भी आपको स्क्रीन कर देना है। यहाँ पर ये जो ब्लिंक पार्ट ये सब सारे इफेक्ट आपका दिखने लगा। फोटो वगैरह अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐड हो चुका है। सेम वही प्रोसेस गाइस आगे यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है। जो आपका एंडिंग पॉइंट आने होने वाला है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर मैं कुछ इफेक्ट देने वाला हूँ आपको, तो बैक करके आपको आ जाना अपने सेक इफेक्ट में और यहाँ पर आपको दोनों तारों जो भी आपका लेयर है सभी को कॉपी कर लेना इस प्रकार से। और जो बीट मार प्रोजेक्ट इसको आपको जाना इसके अंदर और गाइस जो आपका ये वाला पार्ट है एंडिंग पॉइंट जहाँ पर मैंने ये फोटो वगैरह ऐड करके रखा है यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, सिंपली इसके आगे जाना है और यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप देखते हैं जो कि ये न्यू इफेक्ट बनाए गए हैं इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में आपका लाइट शो नहीं हो रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो इसको स्क्रीन करना है और यहाँ पर भी इस वाले लेयर को स्क्रीन करना है और नीचे वाला पार्ट इसको भी स्क्रीन करना है। तो यहाँ पर आपका लाइट इफेक्ट और सारे ये इफेक्ट आपको दिखने लगेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। फोटो चेंज करना है, इस फोटो पे क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग आपको जो फोटो अच्छा लगता है वो फोटो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करना है आपको, ये तो मैंने ऑलरेडी करके दिया है आपको। और जो आपका ये लास्ट वाला पार्ट है इस वाले पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला मैंने सेलेक्ट कर रहा है कुछ इस प्रकार से और मैंने इसको इस प्रकार से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके कॉपी सेवन कर देना है। जो नेक्स्ट बीट है यहाँ पर क्लिक करके इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो आपका एंडिंग पॉइंट वो भी यहाँ पर ये बन के तैयार हो जाएगा। तो आपका जो वीडियो है लिरिक्स के अनुसार यहाँ पर इस प्रकार से बन के तैयार होगा। इसको आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको अपनी गैलरी में सेव करना है, बॉक्स पर क्लिक करके इसको आप बहुत अच्छे से अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।